गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बेटा हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल एज एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में बात कर ली है और अभी फिलहाल मैं इनक्लाइन प्लेन जो वाला प्रोजेक्टाइल uh, मोशन है दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एज वेल एज़ फ्रॉम द टावर उसको ड्रॉप करके बेटा पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्योंकि यह टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है और आपके यूटी के अंदर भी यही आएगा दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यहां पर एक स्पेशल टाइप का जो एक्सलेशन एग्जिस्ट करता है जिसको हमने सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का नाम दिया है उसके बारे में बात करेंगे हम जो कि हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का डेरिवेशन जो है वो क्या होगा सो लेट एस स्टार्ट अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने किसको नाम दिया और बच्चों डेली लाइफ में इसके बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हैं लाइक like, फैन जो मूवमेंट कर रहा है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रेस्पेक्ट में है जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूमता है इसी तरह से हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारी क्लॉक होती है उसके अंदर जो मिनट हैंड है जो मूवमेंट कर रही है उसकी भी एक यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये हमारे एग्जाम्पल जो हैं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं लेकिन यदि ये, ये कहा जाए कि वट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो बच्चों हमारा आंसर होगा कि जब कभी भी कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कॉन्स्टेंट स्पीड तो उस केस में वो हर एक इंस्टेंट पे इक्वल डिस्टेंस को अचीव करेगा विद इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इस तरह के मोशन को बच्चों हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम दिया है मतलब वेन एवर ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड बच्चों स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी बेटा आपको पता सभी को जो किस पर डिपेंड करती है जो केवल डिपेंड करती है मैग्निट्यूड के ऊपर तो इसका मतलब जब कभी कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड से फाइव मीटर पर सेकेंड हमने मान लिया तो उस केस में क्या होगा तो जैसे मैंने यहां डायग्राम में दिखाया यहां भी फाइव मीटर पर सेकेंड है यहां भी फाइव मीटर पर सेकेंड है यहां भी फाइव मीटर पर सेकेंड हर एक इंस्टेंट पे फाइव मीटर पर सेकेंड है लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने तो v1, v2, v3 लिखा है बेटा दिस इज वेलोसिटी

ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड देन इट अचीव इक्वल डिस्टेंस विद इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो उस केस में वो इक्वल डिस्टेंस को अचीव करेगा बच्चों इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में एंड सच टाइप ऑफ मोशन डिनोट्स द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसी मोशन को बच्चों हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम दिया है इलेक्ट्रॉन किसी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट कर रहा है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मोशन ऑफ ए फैन जो अभी मैंने बताया आपको दिस इज ऑल्सो ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अब बच्चों जब हमने एक्सलेटेड मोशन स्टार्ट किया था तो वहां हमने बात की थी कि जो एक्सलेशन होता है बेटा इसके बारे में बात की थी हमने कि जब भी कभी वेलोस्टी में चेंज आएगा तो हर वो मोशन एक्सलेटेड मोशन कहलाएगा। वेलोसिटी वेलोस्टी इंक्रीज होती है तो उसको हमने एक्सलेटेड का नाम दिया वेलोस्टी डिक्रीज होती है तो उसको हमने रिटार्डेशन का नाम दिया नो no मैटर लेकिन वेलोस्टी चेंज होनी चाहिए और फिर मैंने आपको बताया था बेटा कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करती है यदि मैग्नीट्यूड चेंज हो डायरेक्शन चेंज ना हो मतलब वेलोस्टी चेंज हो रही है एक्सेलरेटेड मोशन डायरेक्शन चेंज हो मैग्नीट्यूड चेंज ना हो वेलोस्टी चेंज हो रही है ऑल्सो एक्सलेटिड मोशन तो बच्चों ये हमारा उसी का एग्जांपल है और मैंने वहां भी बताया था आपको कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है हमारा जिसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बेटा लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है सो वी कैन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सलेटरी मोशन सो वेरी वी कैन राइट एज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट, बट नॉट द वेलोस्टी एज डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली सो वेलोस्टी ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स स दिस इज एक्सलरेटेड मोशन ऑल्सो तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सलरेटरी मोशन भी कह सकते हैं जो हमारा वन मार्क में एग्जाम में आता है इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन एक्सलेटरी मोशन तो हमें यस yes या नो no लिखना होता है अब बच्चों इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ टर्म्स हम स्टडी करेंगे और उन टर्म्स को हमने नाम दिया है एंगुलर डिसप्लेसमेंट एंगुलर वेलोस्टी एंगुलर एक्सलेशन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और बच्चों इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सलेशन जो है बेटा इन सभी को हमने नाम दिया है एक्जल वेक्टर्स ये भी आपको याद होगा जब हमने वेक्टर एल्जबरा स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने पोलर और एक्सेल वैक्टर के बारे में बात की थी तो एक्जिल वैक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट के बारे में हमें बताते हैं तो ये हमारे एक्सेल वेक्टर की कैटेगरीज में आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर एक्सलेशन सो वन बाय वन फर्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने किसको नाम दिया तो आंसर है कि हमने एज्यूम किया कि पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और किसी टाइम टी जब जीरो है वो पॉइंट ए पे है एंड आफ्टर टाइम टी वो पहुंच गया पॉइंट बी पे तो बेटा जब वो ए से बी तक पहुंचा तो उसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया कितना एंगल फॉर्म किया तो आंसर है थीटा ये थीटा कुछ भी हो सकता है तो इस थीटा को ही बच्चों हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया सो वी कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी पार्टिकल जिस एंगल को डिस्क्राइब करता है बनाता है फॉर्म करता है उसी को ही बेटा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जो कि यहां ओ बी नजर आ रहा है सो दिस ओ बी इज द थीटा एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसको बच्चों हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे हमें ज्योमेट्री से मालूम है एंगल इज इक्वल टू अपॉन रेडियस एंगल थीटा जिसको हम रेडियन में लेंगे बेटा अर्क ए बी जिसको मैंने एल मान लिया और रेडियस को हमने स्मॉल आर माना अब बेटा जो डायमेंशन फॉर्मूला इस ए बी का होगा अर्क का होगा लेंथ का होगा वही इस आर का होगा सो वी कैन से दिस थीटा इज डायमेंशन लेस तो यहां से थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय आर ए बी का मतलब एल बाय आर तो यहां से एल कितना आ जाएगा बेटा यहां से ए बी या एल आ जाएगा आर थीटा के बराबर तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसको अभी हम आगे यूज भी करने वाले हैं सेकेंड वन इज एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम उमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसका जो तो सिंबल है दिस इज उमेगा ये क्या होती है बच्चों तो आंसर है एंगुलर वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आए बेटा उसी को ही हमने एंगुलर वेलोस्टी का नाम दिया है ओमेगा का नाम दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन टाइम इन सेकेंड सो वी कैन से द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोस्टी इज रेडियन पर सेकेंड जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा हमारा टी माइनस वन होगा अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो टीचर कहते हैं कि सभी वेलोस्टी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल्टी माइनस वन है बिल्कुल ठीक है लेकिन यहां जो बात कर रहे हैं हम वो एंगुलर वेलोस्टी के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत से बच्चे एग्जाम में एंगुलर वेलोस्टी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला टी माइनस वन लिख आते हैं जो कि गलत होगा रोंग होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा हमें टी माइनस वन लिखना है अब इसकी डायरेक्शन तो आंसर है कि पार्टिकल क्लोकवाइज मूवमेंट कर रहा है या एंटी क्लोकवाइज यदि क्लोकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो हम उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे और थम हमें क्या देगा इसकी डायरेक्शन जो किस तरफ है आउटवर्ड होगी अब आउटवर्ड का मतलब इस तरफ इसको हम शो नहीं कर सकते हैं इसलिए मैंने इसको यहां दिखा दिया इस रेड एरो से ये एक्चुअल में यहां नहीं है ये एक्चुअल में यहां है ऊपर की तरफ है और यदि पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है क्लोक वाइज डायरेक्शन में तो राइट हैंड थम रूल के अकॉर्डिंग ये उसके रोटेशन है और थम नीचे की तरफ है तो उस केस में ओमेगा नीचे की तरफ आएगा जैसा हमने वेक्टर में स्टडी किया था क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सेम उसी तरह से तो राइट हैंड हम रूल के बिहाफ पे बेटा हम इन सभी के डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं थीटा ओमेगा अल्फा ओमेगा वेक्टर फॉर्म में मैंने इसको लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू तो जीरो मतलब पार्टिकल किसी टाइम टी इज टू जीरो पे ए पे है और जस्ट टी प्लस डेल्टा टी में कहा पहुंच गया किसी पॉइंट बी पे और अगेन दिस डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल इन फाइनाइटली स्मॉल टाइम है बच्चों ये इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं काइनेमेटिक्स में पहले सो इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो सो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डी थीटा बाय तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जैसे हमने पहले बात की है जब भी हमें एक्स टी इक्वेशन देख के वेलोसिटी पूछे तो उसको हमने डिफरेंशिएट किया सेम जब भी बच्चों आपको थीटा में और टी में रिलेशन देके आपसे ओमेगा पूछ रहा है तो आप उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे आप उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे अब जरा देखें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप जो है वो क्या होगा अभी अभी लिखा बेटा हमने एल इज इक्वल टू आर थीटा अब बच्चों इस इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट कर दें विद विदेक्ट टू टाइम तो तो आंसर है डिफरेंशियट विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट डी एल बाई डी टी लेफ्ट साइड में राइट right साइड में आर और थीटा का बच्चों डी थीटा बाई डी टी यहां डी एल बाई डी टी को मैंने लिखा वी दिस इज द लीनियर वेलोसिटी आर जो कि रेडियस है वे जो कि कॉन्स्टेंट है एंड डी थीटावाई डी टी इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी तो यहां से बच्चों आ गया v इज इक्वल टू आर उमेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो कि हमारी इलेवंथ के साथ साथ ट्वेल्थ में भी काफी जगह यूज होती है ये आपको याद रखना है जब भी आप और एग्जाम में भी आ सकती है कि ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी तो आपको यहां से स्टार्ट करना है प्रोसेस एंगल इज इक्वल टू तो अर्क अपॉन रेडियस तो अर्क बराबर आ जाएगी रेडियस इनटू एंगल के और फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में दूसरा मेथड भी है सोल्व करने का लेकिन ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए तो यहां से v इज इक्वल टू आर ओमेगा वैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों इसको ये हमारी वैक्टर फॉर्म कहलाती है v वैक्टर इक्वल टू ओमेगा वैक्टर क्रॉस r वैक्टर आपसे कहा जाए बेटा इस v में r में ओमेगा में एंगल बताओ कितना होगा तो जो हम यहां सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं इस सर्कुलर पाथ में चाहे क्लोकवाइज माने चाहे एंटी एंटीक्लोकवाइज माने बेटा हम जो हम एंटी एंटीक्लोकवाइज की बात करें सपोज तो ये हम मान लेते हैं रेडियस है इस पेन के ढक्कन को हमने रेडियस मान लिया और वेलोस्टी किस तरफ होगी लीने वेलोस्टी ये लीने वेलोस्टी होगी और अब बात आती है एंगुलर एंगुलोवेलोस्टी की वो है ऊपर की तरफ कुछ इस तरफ ये हमारी ऊपर की तरफ क्या होगी एंगुलर वेलोस्टी होगी तो ऊपर की तरफ हमारे पास मिलेगी एंगुलर वेलोस्टी अब आपसे कहा जाए इसमें और इसमें एंगल बताएं इसमें और इसमें नाइन्टी डिग्री इसमें और जो ऊपर एंगुलर वेलोस्टी है इसमें एंगल बताएं 90 डिग्री और रेडियस में और एंगुलर वेलोस्टी में एंगल बताएं कितना है नाइन्टी डिग्री तो ये सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है फिर से एंटीक्लोकवाइज आउटवर्ड क्लोकवाइज इनवर्ड ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है थर्ड एंगुलर एक्सलेशन एंगुलर एक्सलेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है बच्चों उसी को ही बेटा हमने एंगुलर एक्सलेशन का नाम दिया जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं दैट इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी और डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल Which is tends जीरो सो डेल्टा delta डेल्टा टी विल बी इक्वल equal डी d omega डी टी तो जब भी हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जब भी बेटा हमें ओमेगा टी इक्वेशन देखकर एल्फा पूछे बच्चों नुमेरिकल्स में तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे इसका मतलब थीटा टी इक्वेशन से उमेगा कैसे आएगा डिफरेंशिएशन ओमेगा टी से अल्फा कैसे आएगा डिफरेंशिएशन थीटा टी से अल्फा कैसे आएगा दो बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे जैसे मैं कहता हूं थीटा इक्वल टू फाइव टी की क्यूब प्लस में सिक्स टी प्लस सेवन ये दे दिया और आपसे कहा जाए फाइंड आउट एंगुलर एक्सलेशन व्हेन टी इक्वल टू टू सेकेंड सपोज तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी थीटा बाई डी टी जिसको हम ओमेगा बोलेंगे और ये कितना आ जाएगा बेटा फिफ्टीन टी स्क्र प्लस में ट्वेल्व टी आ जाएगा इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करें हम अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे डी टू थीटा अपॉन डी टी या इसको लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी एक ही बात है एंड दिस इज एल्फा कितना आ जाएगा थर्टी टी प्लस में ट्वेल्व ये आ गया और इसमें टी की जो भी वैल्यू उसको पुट कर देंगे सपोज वन सेकेंड है तो t की वैल्यू वन पुट कर दिया थर्टी प्लस में ट्वेल्व दैट इज फोर्टी टू और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा रेडियन पर सेकेंड स्क् रेडियन पर सेकेंड स्क्र तो फोर्टी टू रेडियन पर सेकेंड आंसर तो ये हमारा आएगा एंगुलर एक्सलेशन विच इज ए वैक्टर क्वांटिटी अगेन इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा वही सेम होगी जो किसकी है एंगुलर वेलोसिटी की लेकिन बच्चों एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखें जैसा आपने शायद पढ़ा होगा लीनियर मोशन के अंदर कि लीनियर मोशन में यदि ऑब्जेक्ट जा रहा है वेलोसिटी वी से और एक्सलेशन उसके अपोजिट है अब आप कहेंगे एक्सलेशन अपोजिट कैसे होगा रिटार्डेशन जब भी आप व्हीकल चला रहे हैं बाइक चला रहे हैं स्कूटी चला रहे हैं गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और जैसे ब्रेक सप्लाई कर देंगे तो उस केस में जो ब्रेकिंग फोर्स होगा वो उस व्हीकल के मोशन को अपोज करेगा तो वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी सेम बच्चों उसी तरह से यहां पर है कि ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर पाथ में सपोज एंटी एंटीक्लोक डायरेक्शन में एंगुल वेलोस्टी के है उमेगा है और यदि अल्फा अपोजिट है अल्फा अपोजिट है तो उस केस में यह वेलोस्टी डिक्रीज होती चली जाएगी ये वेलोस्टी डिक्रीज होती चली जाएगी फैन चल रहा है स्विच ऑफ कर दिया आपने तो वहां वेलोस्टी लगातार घटती जाती है ये हमारे रिटार्डिंग मोशन के एग्जांपल्स कहलाते हैं कि यदि वेलोसिटी से अपोजिट एक्सलेशन है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी सेम एंगुलर वेलोसिटी से अपोजिट एंगुलर एक्सलेशन है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन में हो रिटार्डेशन वाले कॉन्सेप्ट में ये अपोजिट भी होते हैं सो एल्फा डी उमेगा बाइडी टी ओमेगा डी थीटा बाई डी लिखा सो वी कैन राइट अल्फा इक्वल टू डी टू थीटापोन डी टी अब जैसे वहां बेटा हमने बात की थी लीनियर मोशन में कि यदि वेलोस्टिकॉन्स्टेंट है तो एक्सलेशन जीरो सेम बात यहां से बोलेंगे हम कि जब कभी भी एंगुलर वेलोस्टिक कॉन्स्टेंट है तो बच्चों एल्फा क्या होगा जीरो होगा और एल्फा जीरो है इसके दो मीनिंग होंगे या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वो कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोस्टी से मूव कर रहा है तो अभी अभी हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा अब उसी रिलेशन को कंटिन्यू करते हुए फिर से हम क्या करें फर्दर डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी वी बायिटी आर कॉन्स्टेंट और ओमेगा का डी ओमेगा बायोडिटी तो बच्चों यहां से डी वी क्या आ गया बेटा a आर d ओमेगा बायोडिटी क्या आ गया अल्फा एंगुलर एक्सलेशन तो बच्चों ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सलेशन एंड एंगुलर एक्सलेशन ये भी हमारा एग्जाम में आता है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलेशन एंड एंगुलर एक्सलेशन तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर एल्फा जिसको वैक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा ए वैक्टर इक्वल टू एल्फा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर एल्फा वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर फोर्थ टर्म है बच्चों इसमें टाइम पीरियड टाइम पीरियड हमने किसको नाम दिया तो आंसर है कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है उसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अचीव करने में कितना टाइम लगेगा उसी को ही बच्चों हमने टाइम पीरियड का नाम दिया है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ पे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को अचीव करने में उस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड जिसको हम सेकेंड्स में लिखते हैं मिनट्स में भी लिखते हैं आवर्स में भी लिखते हैं लेकिन जनरली हम इसको सेकेंड्स में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ जिसको हम आवर्ती बोलते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीशन कह दें या रिवोल्यूशन कह दें कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन वन सेकेंड देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्या इनमें ये तो कह रहा है कि पार्टिकल अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा वो हो सकता है दो सेकंड ले तीन सेकंड ले चार सेकंड ले कम सेकंड ले ले एक से भी मे बी लेकिन यह क्या कहता है फ्रीक्वेंसी कहता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीशन या रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन वन सेकेंड एक सेकेंड में कोई पार्टिकल कितनी बार घूम रहा है उसको हमने क्या नाम दिया है का नाम दिया है To be noted again, कि नंबर ऑफ ऑक्सिलेशन कह दे या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कह दे द पार्टिकल इन वन सेकेंड जो हम घर में पानी की मोटर यूज करते हैं बच्चों पानी की मोटर कोई वन एचपी की है या फिर टू एचपी की है ज्यादा पावर की हो गई ज्यादा पावर वाली जो है वो आपकी पानी की टंकी को जल्दी भर देती है और जो कम पावर की होती है वो पानी की टंकी को देर से भरती है वर्कडन दोनों सेम कर रही है लेकिन उसे जल्दी क्यों भर दिया क्योंकि वहां पर जो मोटर जो हमने लगा रखी है उसमें जो पंखुड़ी लगा रखी है वो क्या करती है वो एक सेकेंड में ज़्यादा बार घूमती है सपोज दस बार घूमी और जो छोटी मोटर है कम पावर की है उसमें पांच बार तो ऑलमोस्ट टाइम जो है वो डबल लगेगा हमें एक यदि तीस मिनट में भरती है छोटी वाली तो बड़ी वाली पंद्रह मिनट में ही टंकी को फिल्ट कर देगी तो वहां पर जो हम बात करते हैं उसके चक्कर की बात करते हैं जो लगातार घूम रहा है उसके अंदर तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग लिया गया है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय पार्टिकल इन वन सेकेंड एक पार्टिकल कितने रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है जैसे मैंने लिखा टाइम टेकन टू कंप्लीट न्यू ये इसका सिंबल हो गया बेटा एन यू न्यू बोलते हैं इसको हम ये जो एन यू है बेटा इसको बोलते हैं न्यू ये इसका सिंबल कहलाता हमारा तो यहां फिर ये सॉरी यहां इसको बोला गया है न्यू से तो ये इसका सिंबल ये हो जाएगा हमारा मतलब आपने V बनाया और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दिया इसके अलावा किसी किसी बुक में F भी लिखा होता है किसी किसी बुक में N भी लिखा होता है जनरली जो हमें नोमेरिकल्स मिलते हैं वहां फ्रीक्वेंसी के लिए N भी यूज किया जाता है F भी यूज किया जाता है और ये जो न्यू का सिंबल है ये भी यूज किया जाता है हम बात कर रहे थे रिलेशन के बारे में टाइम में और फ्रीक्वेंसी में टाइम टेकन टू कंप्लीट न्यू रिवॉल्यूशन हमने मान लिया दो तीन चार पांच छह जितने भी हैं वो रिवॉल्यूशन वो एक सेकेंड में कंप्लीट हो रहे हैं अब वो दो हो सकते हैं पांच हो सकते हैं दस हो सकते हैं तो सपोज दस को कंप्लीट करने में एक सेकेंड लग रहा है तो अब आप ये बताएं एक को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा टाइम टेकन टू कंप्लीट न्यू रिवॉल्यूशन इक्वल टू वन सेकेंड अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन चला जाएगा भाई जैसे दस में, में तो वैल्यू तो तो क्या आ गई एक रिवोल्यूशन की जो आ गया एज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अभी अभी लिखा हमने कि टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू कंप्लीट वन फुल रिवोल्यूशन टी लिखा है बेटा तो यहां से आ गया बच्चों क्या ये जो रिलेशन लिखा हमने टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन जो आ गया वन बाय न्यू के बराबर और ये होता है हमारा टी सो टी इक्वल टू वन बाय न्यू ये लिखा मैंने अभी अभी एक सेकेंड में पार्टिकल कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा वो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और उसके बाद टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू वन कंप्लीट वन फुल रिवोल्यूशन तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगेगा उसको हमने टी ले रखा है तो यहां से टी बराबर आ गया वन बाय न्यू या ये कहें न्यू इंटू टी इक्वल टू वन दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड तो बेटा यहां से टी बराबर वन बाय न्यू है या न्यू बराबर किसके है वन बाई टी के है और इसीलिए बच्चों फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम क्या लिखते हैं सेकेंड इनवर्स या हर्ड्स भी इसको बोलते हैं अब जो एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटा वो क्या है थीटा टी होती है अब यदि पार्टिकल अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर ले रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले तो कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा 360 डिग्री भाई यदि पार्टिकल पहुंचता है यहां से यहां 90, 180, 270, 360। जैसे उसने एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अचीव किया 360 डिग्री एंगल को डिस्क्राइब किया एंड विच इज इक्वल टू टू पाई रेडियन तो थीटा की वैल्यू टू पाई आ जाएगी और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो होगा बच्चों टी सो ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाय टी और वन बाय टी फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाय टी एंड ओमेगा आल्सो इक्वल टू टू पाई न्यू ये भी आपको बच्चों याद रखना है इस फॉर्मुले के बिहाव पे हम न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे जैसे आपसे कहा जाए कि हमारी जो क्लॉक होती है उसमें हावर हैंड मिनट हैंड एज वेल एज सेकेंड हैंड जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ क्या होगी अब जो हावर हैंड है हो गया उस घड़ी के अंदर जो अपना एक रिवोल्यूशन 12 घंटे में कंप्लीट करता है इस टाइम को पुट कर देंगे 12 आवर्स मिनट हैंड वाला जो है बेटा वो अपना एक चक्कर जो है वो वन मिनट या साठ सेकेंड में कंप्लीट करता है यहां पुट कर देंगे सिक्सटी सेकेंड और सॉरी मिनट वाला कह रहा हूं सेकेंड वाला सेकेंड वाला जो है बेटा वो अपना एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है कितने टाइम में सिक्सटी सेकेंड में या वन मिनट में और जो मिनट हैंड वाला है वो हमारे पास कितने टाइम में कंप्लीट करता है एक घंटे के अंदर तो मिनट हैंड के लिए वन आवर सेकेंड हैंड के लिए वन मिनट और जो हावर हैंड है उसके लिए ट्वेल्व आवर्स इन सभी को पुट करके वन बाय वन हम इस ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और आपसे कहा जाए कि अब बताएं सबसे फास्ट कौन चल रहा है तो जिसका टाइम सबसे कम होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी सेकंड हैंड उससे धीरे कौन है मिनट हैंड और सबसे धीरे कौन है आवर हैंड तो इस तरह से हम एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं अब जो हम बात कर रहे थे हमारे मेन टॉपिक की दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन है जिसमें कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड जो कि इक्वल डिस्टेंस को अचीव करेगा विद इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ऐसे मोशन को हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम दिया है और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है क्यों क्योंकि बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है और यहां पर बच्चों जो एक्सलेशन एग्जिस्ट करता है उसको हमने सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का नाम दिया है सो एक्सलेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सलेशन एक्सलेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो एक्सलेशन उस पार्टिकल की कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उसी को ही बच्चों हमने सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का नाम दिया बच्चों ये हमेशा लगता है ऑब्जेक्ट पे अलोंग द रेडियस टुअर्ड जरा अभी तो उससे पहले हमने लिया एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सलेशन हमें सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है तो इसके लिए बच्चों हमने माना कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है मे बी क्लोकवाइज और एंटी क्लोकवाइज तो बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और वो किसी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ए पे था एंड आफ्टर टाइम टी वो पहुंच गया पॉइंट बी पे और उसने जो एंगल डिस्क्राइब किया बच्चों वो हो गया थीटा तो यहां हमने इस पॉइंट ओ को बी से ज्वाइन कर दिया और इसको नाम दिया रेडियस वैक्टर का रेडियस वैक्टर इस तरफ रेडियस वैक्टर एक्स एक्सिस में है इस तरफ रेडियस वेक्टर वाई एक्सिस में है इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव एक्स में इस तरफ नेगेटिव वाई में लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चों इस केस में इस केस में में रेडियस वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन कहें कहेंगे हम और यदि मैं आपसे कहूं इस रेडियस वेक्टर को रिजोल्व करो कंपोनेंट में तो आप बताएंगे कि सर इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो होगा आर कोस थीटा और इसका वाई कंपोनेंट जो है वो होगा आर साइन थीटा तो ये आर एक्स और ये आर वाई सो वी कैन राइट आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप आर एक्स जो कि आर कोस थीटा है आर वाई जो कि आर साइन थीटा है तो ये बन गई हमारे रिलेशन और बच्चों ओमेगा होता है थीटा बाय टी तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा बेटा थीटा आ जाएगा ओमेगा इंटू टी के बराबर अब यहां से क्या करेंगे बताएं यहां से खुशबू हम इस थीटा की वैल्यू को ओमेगा इंटू बेटा यहां पर पुट कर सकते हैं और जैसे ही थीटा को पुट करते हैं हम यहां उमेगा इन टी तो यहां से आर वेक्टर बराबर आ जाता है आर कोस थीटा थीटा इज उमेगा इसको हमने नाम दिया बच्चों मिताली इक्वेशन नंबर वन का अब यहां से बताएं इक्वेशन नंबर वन आ गई यदि बच्चों इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कृष्णा तो बताएं डिफ्रेंशिएट करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा देखें जरा डिफरेंशियट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट तो यहां से पारस हमने डिफ्रेंशियट किया डी आर वेक्टर बाई डी इक्वल टू वी वैक्टर और यहां से हमें क्या मिला देखो बताओ इसको वीडियो पोज करके आप सोचें इसके बारे में देवकरण आर ये वेक्टर है दिस आर इज मैग्नीट्यूड जो कि कांस्टेंट है एज इट इज अब आप बताएं कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशियन क्या होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी मतलब कोस का तो माइनस साइन ओमेगा और फिर इस टी का जो है वो आगे आ जाएगा यह बात कर चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स में तो कोस का माइनस साइन ओमेगा टी और टी काफिशंट यहां आ जाएगा प्लस आर एज इट इज साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी और टी काफिशंट ओमेगा आगे आ जाएगा तो बच्चों ये आ गई हमारी वेलोसिटी वेक्टर कितना आप इसको लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू माइनस आर उमेगा इन साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर उमेगा कोस उमेगा टी जे कैप और आप चाहें तो इस आई कैप के साथ आप चाहें तो इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई प्लस में वी वाई जे ये रिलेशन ये इसी फॉर्म में आ गई यहां पर आई कैप के साथ वी एक्स है यहां पर आई कैप के साथ है बेटा माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स यहां जे कैप के साथ कौन है वी वाई यहां कौन है आर ओमेगा कोस ओमेगा टी तो ये वी वाई की वैल्यू है सो so, बेटा ये वी एक्स की वैल्यू आ गई आई को छोड़कर और ये वी वाई है जे को छोड़कर और मैं आपसे कहूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड वी तो आप बताएंगे वीएक्स का स्क्वायर प्लस वीवाई का स्क्वायर मतलब माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा कोस ओमेगा टी का स्क्वायर और बच्चों इसको जब ओपन करेंगे सोल्व करेंगे हम तो ये बन जाएगा आर स्क्र ओमेगा स्क्यर साइन स्क्र ओमेगा टी प्लस आर स्क्वेयर ओमेगा कोस को ओमेगा टी और इस सारे कंड रूट आर स्क्यर ओमेगा स्क्वेयर को बाहर ले लें, अंदर आ जाएगा वन और जब आर स्क्र ओमेगा को रूट से बाहर लेंगे बच्चों तो फिर से हमें क्या मिलेगा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इस रिलेशन को यहां से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और पहले एंगल इज इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस से ड्रॉ किया था जैसा आपको इजी लगे वैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं तो ये आ गई वी इस वी को एक बार और डिफरेंशिएट करें बेटा तो आर एज इट इज माइनस ओमेगा एज इट इज अब साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशियन कोस ओमेगा टी और टी का कोफिशिएंट फिर उभार आया उमेगा एक पहले से है ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा क्यों दोबारा डिफ्रेंशिएट किया हमने प्लस में आर अब ओमेगा एज इट इज कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा और आ जाएगा तो बच्चों यहां से आ गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी जे कैप जी हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम तो आप बताएंगे सर आर भी ले सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं जरा मैंने केवल ओमेगा स्क्वायर लिया आर नहीं लिया क्यों नहीं लिया देखें जरा र कोस उमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा क्या बन गया ये बन गई रिलेशन वन जो हम लेके चले थे आर वेक्टर बन गया ये तो सिंपल है आर वाई आर साइन थीटा है थीटा को ओमेगाटी से रिप्लेस कर दिया और इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी दोबारा करेंगे एक्सेलेरेशन आ जाएगा तो ये आ गया माइनस उमेगा स्क्वेयर कॉमन लिया और अंदर मन गया बच्चों आर वेक्टर और ये ए जो आया इसी को ही बच्चों हम बोलते हैं एसी सेंट्रीपिटल एक्सलेशन माइनस उमेगा स्क्र आर और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है दिस एक्सलेशन एक्ट्स इनवर्ड द सेंटर टुवर्ड्स द रेडियस रेडियस की तरफ और इनवर्ड द सेंटर और बच्चों यहां जो मैग्नीट्यूड होगा उसको केवल लिखेंगे हम ओमेगा स्क्वायर इन आर और ओमेगा बराबर किसके होता है वी बाय आर तो इस ओमेगा स्क्वायर की जगह वी बायर का स्क्वायर रखें तो रिलेशन ये भी आ जाएगी वी स्क्र बायर और इस एक्सलेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे हम तो वो बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन बिल्कुल ईजी है बुक में अलग तरीके से दे रखा है वेक्टर अलजेब्रा के ब्याह पे हमने थोड़ा सा इस तरह से किया है इसको डिफरेंशिएशन के ब्याव पे आई थिंक ये थोड़ा इजी रहेगा एज कंपेयर टू दैट वन डिफ्रेंशियट करना है आर वेक्टर को दो बार एक्सेलेशन आ जाएगा एक इसमें छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट हम लिख रहे हैं जो हमारा यूज होगा नोम में बेटा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है अलग अलग इंस्टेंट स्टैंड पर उसके वेलोस्टी अलग अलग है यहां पर वी वन है यहां वी टू है तो यहां से बेटा ये वी वन है सपोज दिस वन इन दिस वे वी वन और इस तरफ वी टू ये वी टू हो गया तो बेटा यहां से ये वी वन है इसको हमने माना क्या डेल्टा वी तो एक वैक्टर ये एक वेक्टर ये इसका और इसका ये क्या आ जाएगा रेजल्टेंट या यदि ये v1 वेक्टर है तो पीछे क्या आ जाएगा माइनस वी वेक्टर अब मैं आपसे कहूं इस माइनस वी वन और इस वी टू का बताएं रेजल्टेंट क्या होगा तो आप बताएंगे इधर यूजिंग पैरलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर से कितना एंगल होगा यदि उनमें थीटा एंगल है तो इनमें कितना होगा 180 एटी माइनस थीटा अब आप खुद बताएं ये हमारा कॉन्सेप्ट कौ कौन सा बन गया ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया रिलेटिव वेलोसिटी वाला ही तो अब v1 v2 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो कितना है वो तो v है और एंगल कितना दोनों में एक सौ अस्सी माइनस थीटा है अब आप बताएं डेल्टा v क्या आएगा तो डेल्टा v आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस टू वी वन वी टू कोस वन एटी माइनस थीटा काटा क्या बन जाएगा माइनस कोस थीटा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वी टू का स्क्वायर प्लस वी वन का स्क्वायर माइनस टू वी टू वी वन कोस थीटा अब V2 V1 दोनों का मैग्नीट्यूड तो V है बेटा ये V V लिख दिया हमने ये भी V ये भी V ये भी V ये भी V सारे और ये बन जाएगा टू वी स्क्वेयर माइनस टू वी वी को स्थीटर टू वी स्क्र कोस थीटा यहां से बच्चों टू वी स्क्वेयर कॉमन ले लिया हमने अंदर आ जाएगा वन माइनस कोस थीटर का और बेटा ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है किसका टू साइन स्क्यर थीटर बाई टू ये आपको विशेष याद रखना है एक ऐसा ही हमारा क्वेश्चन आई थिंक वेक्टर में भी आया था तो यहां वन माइनस माइनस आता है तो साइन बनता है बेटा और प्लस आता है तो कोस बनता है ये तो ये आपको याद रखना है टू वी स्क् वन माइनस कोस थीटा ब्रैकेट के अंदर है ये बन गया टू साइन स्क्टा बाई टू जितना भी एंगल है यहां उसका हाफ होता है यदि यहां टू थीटा होता तो यहां थीटा आता यहां फोर थीटा होता तो यहां टू थीटा आता यहां थीटा है तो यहां थीटा बाई तो टू टू इंटू टू फोर फोर को रूट से बाहर निकालें To, v को बाहर निकाले वी को बाहर निकाले साइंसिटा बाइटू तो बच्चों जब भी आपको सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी से रिलेटेड या चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जैसे मैं आपसे कहूं कि पार्टिकल पहुंच गया पॉइंट ए से बी व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी तो आप ये बताएं कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है फिलहाल तो चेंज इन वेलोसिटी तो बताएं कितना एंगल डिस्क्राइब हुआ 90 डिग्री इस 90 को पुट कर दो यहां इस और यहां पर यहां पर पुट करें टू वी साइन 90 बाई टू फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू तो टू वी इन टू वन बाई रूट टू रूट टू आंसर आ जाएगा जब पार्टिकल ए से बी पे पहुंचेगा तो चेंज इन वेलोसिटी रूट टू है और यदि इस चेंज इन वेलोसिटी को आप मास से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम इसी तरह से मैं कहता हूं पार्टिकल पहुंच गया ए से सी पे वट इज द चेंज इन वेलोसिटी तो बेटा ए से सी तक कितना एंगल डिस्क्राइब किया बच्चों एक सौ अस्सी डिग्री या पाई भी इसको हम बोल सकते हैं तो पुट करते हैं हम यहां पर पाई को पाई पुट करते हैं नीचे टू पाई बाय टू साइन पाई बाय टू वन वट इज द चेंज इन वेलोसिटी टू वी डबल हो जाएगी मोमेंटम टू एम वी और आपको याद होगा यहां पर डायरेक्शन ये वाली है यहां डायरेक्शन ये वाली है यहां डायरेक्शन ये वाली है यहां डायरेक्शन ये वाली है ये और ये क्या दोनों एंटी पैरल अपोजिट हैं तो वी माइनस माइनस वी टू वी मैंने बताया था वेक्टर के अंदर और उसको इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सो डेल्टा वी इक्वल टू रूट टू वी नाइनटी डिग्री के केस के अंदर और वन एटी डिग्री केस के अंदर कितना आ जाएगा टू वी आ जाएगा सो दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थैंक यू